नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो ठीक है? मेरी क्लियर आ रही है? दिखाई सुनाई दे रही हूं मैं? जल्दी से बताएं। ओके, यानी कि सब क्लियर है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो पढ़ाई की है आपने? कहानियों की तैयारी की है? गुड इवनिंग। अभी मैं नहीं बोल रही विकास पांडे। अभी आ रही आवाज विकास? अभी आवाज क्लियर है? यस। जब तक बाकी बच्चे आते हैं मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ ना। तीसरी कसम कहानी पढ़ी है?
लिखा नहीं रही, आंसर दो। सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे, जवाब देना है। आज एग्जाम है? कौन सा एग्जाम है आज? आज कौन सा एग्जाम है? आंसर दो इस सवाल का जल्दी। जो तीनों कसमें खाता है वो याद है आपको तीनों? टेस्ट ले रही हूं आपका, टेस्ट एग्जाम नहीं, टेस्ट ले रही हूं। अभी पढ़ाई है ना कहानियां पिछले दिनों में, तो थोड़ा सा टेस्ट ले रही हूं। ठीक है। सबका डी आंसर सही है। पहले प्रश्न का जवाब दो। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। एक लिख के बताना है, क्वेश्चन नंबर एक नंबर डाल के फिर बताना है। जल्दी 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 जल्दी। एक का बी, एक का बी, बी बी फर्स्ट का बी, एक का बी, एक का डी, फर्स्ट का बी, ये बी वाले क्या सोच के आंसर दे रहे हैं? बी वाले क्या सोच के आंसर दे रहे हैं? जल्दी बताओ। एक का डी, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, जो बी बता रहे हैं वो गलत है ना। इसमें राजनीति की बात है, ना इसमें नैतिकता की बात है, ना इसमें विभाजन की बात है, इसमें प्रेम की बात है। डी हो सकता है। मैम क्या मेरा सही है? हाँ आपका सही है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्रेम के साथ बलिदान का वर्णन है ना। वो प्यार करता है उस लड़की से, करता था, लेकिन बाद में वो उसके लिए सेक्रीफाइस करता है ना। तो प्रेम में ही होता है ना सेक्रीफाइस,
बलिदान, तो इसमें प्रेम का वर्णन है, प्रेम होगा। ठीक है, ठीक है। लाल पान की बेगम किसकी कहानी है? लाल पान की बेगम, आंसर बताओ जल्दी से। मैम बट उनकी शादी नहीं हुई, आखिरी में अलग हो गए थे वो। हाँ, तो तभी तो सेक्रीफाइस करता है ना, वो बोलती है कि मेरे पति की रक्षा करनी है तुम्हें, है ना, जब लड़ाई होती है उनकी बॉर्डर पे, तो वो अपने आप को आगे ले आता, मतलब अपना बलिदान कर देता है ना, तब उन्होंने कसम खाई थी। मीन्स उसके पति को, उसके बेटे को वो बचा लेता है ना बाद में। कहानी पढ़ी है आपने? खुद मर जाता है वो और उसके पति और बेटे को बचा लेता है। तो सेक्रीफाइस नहीं हुआ क्या? प्रेम नहीं हुआ? प्रेम की खातिर करता है ना वो ये सब, ऐसे क्यों करेगा कोई? लाल पान की बेगम का समय पता है? ये तो उसने कहा कहानी है मैम, मैंने कौन सी पूछी? ओ सॉरी, ठीक, तीसरी कसम पूछी मैंने, है ना, सॉरी। मैं ना ये सोच के बैठी हूं कि मैंने तीसरी कसम पूछी है, मतलब उसने कहा था पूछी है। ओके सॉरी, ठीक है, इसका जवाब दो आप। माफी चाहते हैं। इसका जवाब दीजिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से। डी, हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी, 3 का डी। नहीं, वो मुझसे थोड़ा सा, मेरे ध्यान में था कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसने कहा था, मेरी माइंड पे वही चल रही थी। 3 का ए, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ, फिर हमारा टाइम जा रहा है ना। सारे बच्चों के जवाब नहीं आ रहे, जल्दी से बताओ। 3 का ए, 3 का ए, कहानी पढ़ी नहीं आपने? मैं, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। ओके, ये कहानी पढ़ी है आपने, लाल पान की बेगम? आपने कहानी पढ़ी नहीं है लगता मुझे।
ये सारे ही पात्र लालपान की बेगम के हैं, ये सारे, ये सभी होगा इसका आंसर, मुझे नहीं पता। ओके, कहानी पढ़नी है ना, कहानी कब से दी हुई है पीडीएफ मैंने, फिर वही बात आ जाती है कि आप पढ़ते नहीं हो। बेटा आपका ही नुकसान है नहीं पढ़ोगे तो। कल मैंने निबंध की पीडीएफ दी थी, पढ़ी आपने? किसी ने कोई निबंध पढ़ा? सारे तो आप पढ़ने से रहे, पता है मुझे। बताओ, कोई एक निबंध पढ़ा हो किसी ने? एक ही पढ़ी, नहीं पढ़ा। मैम अभी कहानी पढ़ रहे हैं अच्छे से। मैम मैं कविता पढ़ रही हूँ जो आपने दी है। ओके, अच्छा जो कहानियां पढ़ रहे हैं उन्होंने कितनी कहानियां पढ़ ली, वही पूछ लेते हैं फिर। एक निबंध पढ़ा था, कौन सा फिर पढ़ेंगे? जितना पढ़ लिया वो बताओ क्या पढ़ा है। और इसका भी आंसर दो। पिता कहानी पढ़ी है? पिता कहानी से ये सवाल, किसकी कहानी? पिता पिता कहानी किसकी है? पहले इसका आंसर बताओ फिर बाद में देखेंगे, जल्दी जल्दी। पूनम सी, सुशीला बी, ज्ञान रंजन। वेरी गुड पूनम। हाँ जी, बाकी लोग जल्दी जल्दी। ज्ञान रंजन की, इसका आंसर बताओ। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। विदाई संभाषण निबंध पढ़ा है। ओके, ये विदाई संभाषण किसमें है? ये अलग निबंध तो नहीं है? चार का बी, चार का सी, चार का बी, सी बी पे आंसर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सारे सारे सब जवाब दो। गलत सही जैसा भी आपको आता है जवाब तो दो एटलीस्ट, नहीं भी आता हो तो भी कोई बात नहीं, जवाब दो। पेपर में भी आपको जवाब देना ही है, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं मिलेगी आपको। सारे सवालों के जवाब दे के आने हैं पेपर में, नहीं भी आता हो तो भी, ठीक है? ममता बी, पिंकी सी, अब सब में आता है ए, सब में आता है ए। कोई एक बताओ आप जो सटीक जवाब है, सटीक जवाब बताना है मुझे। और आप ए बोल रहे हो तो ए तो मतलब भाव है ना, भावों की तो बात नहीं है। एक्चुअली इसमें सी आंसर होगा इसका, एक्चुअली विचारधारा में अंतर है ना, जब पीढ़ी पीढ़ी का अंतर हो गया तो विचारधारा में अंतर हो जाता है कि नहीं होता, बताओ?
पिता अपनी अपनी पीढ़ी के हैं, पुत्र अपनी पीढ़ी का है, तो पीढ़ियों में विचारों का अंतर आता है ना, विचारों की गहरी खाई आ जाती है। ध्यान रंजन नहीं, ज्ञान रंजन। हाँ, तो विचारों की गहरी खाई आ जाती है ना, तो व्यवहार भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाते हैं। तो सटीक जवाब ये हुआ ना, सी, यही सही लग रहा था। और आपने जवाब क्या दिया पता नहीं मुझे। ओके, प्रश्न नंबर 5। आपको टेस्ट करने में मजा आ रहा है कि नहीं? पढ़ पढ़ के आते ही नहीं हो, जिस दिन पढ़ के आओगे उस दिन ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना? क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है स्पेशल की कहानियां पढ़नी है, तो आप लोग लगे हैं कुछ, कोई अपने अपने में, कहानियां किसी ने पढ़ी नहीं। स्पेशल टेस्ट के लिए आज के लिए बोला था मैंने कि कहानियां पढ़ के आनी है। जब पढ़ के आओगे आपको टेस्ट देने में भी मजा आएगा। अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, आपको ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा। पढ़ के तो आओ एक बार, फिर देखो। आपको जब आएंगे आएंगे ना सवालों के जवाब, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपको आता नहीं है इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पढ़ते नहीं हो आप। आएगा तो तभी जब पढ़ोगे। हाँ जी, इसका जवाब दो। अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ। राजा निर्वंश यह कहानी का मूल विषय है? ए ऑप्शन दाम्पत्य जीवन, बी ऑप्शन प्रेम, सी ऑप्शन आर्थिक व्यवस्था विवशता, और डी ऑप्शन है सामाजिक रूढ़ियां। राजा निर्वंश यह कहानी का मूल विषय दाम्पत्य जीवन, प्रेम, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियां। सी अंकिता, पिंकी ए, एस एस डी ए, पूनम ए, अंकिता अंकिता सी, अनुराधा डी। इसका सही जवाब है आर्थिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ये सब क्लास में पढ़ा चुकी हूं, ठीक है, वही जवाब पूछ रही हूँ आपको। ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है जो मैंने अभी अभी पूछने लगी हूँ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 6 के लिए आपको जवाब देना है, 6 के साथ लिखना है आपको आंसर अपना, ऑप्शन।
हाँ जी, आप दो जवाब। प्रश्न नंबर 6 और 7 को, दोनों को मैंने साथ लिख दिया है। 6 का डी, 6 का बी, प्राची 6 का डी, SS 6 का बी, पिंकी का डी, पूनम का डी, अंकिता डी, पूनम शर्मा डी, अनुराधा डी। ये कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो आप? 6 का, अनुराधा 7 का डी। ठीक है, 6 का सही जवाब। प्रतीकात्मक कहानी है परिंदे, ठीक है। और 7 का सही जवाब है सभी। जूली भी इसी की पात्र है परिंदे की, मिस वुड भी, मिस्टर ह्यूबर्ट भी। ओके, अब जितनी स्लाइड्स मैंने रखी होंगी खाली, उतना ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, हम थोड़ा मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। 7 हो गए हमारे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 7th का डी था मेरा। ओके, प्रश्न नंबर 8 सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान वाला क्वेश्चन है ये। 7 का डी है, सी नहीं है, सारे पात्र हैं वो परिंदे के। परिंदे अभी नहीं पढ़ पाई, कोई बात नहीं। परिंदे तो एमए में भी थी, एमए में, एमए से पहले भी थी, आपको पता नहीं होगी कि नहीं, हमें थी। मैंने बोला था कहानियां, सिर्फ 21 कहानियां हैं और छोटी छोटी हैं, एक रात में खत्म कर दो उनको, एक रात में नहीं। चलो, आपको तो बहुत ही दिन हो गए बोलते बोलते, अभी तक आपने खत्म नहीं किए कहानियां, तो फिर बाकी चीजें कब पढ़ोगे? कहानियों में इतना टाइम लगा रहे हो तो बाकी चीजें कब पढ़ोगे? सही मिलान करो इसको। कौन सी कहानी का पात्र है मैम ये है, कौन सी कहानी थी वो, अभी जिसकी बात हो रही थी यार, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कहानी का नाम स्किप हो रहा है दिमाग से। प्रेम वाली बात कर रहे थे ना हम, जिस कहानी में अभी। अच्छा, आपने BSc की थी, उसने कहा था। यस, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, ये स्किप स्किप हो गया था, उसने कहा था। हाँ, अभी इसके ऑप्शन दे रही हूं आपको मैं, 1 2 3 4 बी है, 2 1 5 4, 2 1 5 4 सी है, 5 4 3 1, 5
4 3 1 और डी है 4 3 1 5, 4 3 1 और 5। अब इनमें से बताओ कौन सा, ए बी सी डी, इनमें से बताना है आपको। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं ये। हरिदर्शन ए, SSD, डी। अंकिता जल्दी जल्दी सभी बताओ। अनुराधा डी, हरिदर्शन बी। हरिदर्शन आप ऑप्शन चेंज कर रहे हो अभी। विकास डी, पिंकी डी। ममता, अनुराधा और कौन कौन लोग हैं क्लास में, कौन कौन बच्चे हैं, सबके जवाब नहीं आ रहे, सभी जवाब दें। लहना सिंह जो है वो वीर सिपाही है, और जो बोधा सिंह है वो सूबेदारनी का बेटा है। ये जो वजीरा सिंह है वो सूबेदारनी का पति है ये, और जो कीरत सिंह है वो लहना सिंह का मित्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ, इसका सही जवाब हुआ डी। ठीक है, 4 3 1 5, 4 3 1 5। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है, ध्यान दें, बहुत अच्छे से पढ़ी है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। अच्छा, जन्म काल याद है आपको, कवियों के, कहानीकारों के, कहानियां नहीं याद तो फिर जन्म काल तो कहाँ याद होंगे आपको। आप पढ़ा दो मैम। क्या पढ़ाऊं मैं, क्या पढ़ाऊं, याद है। अच्छा याद है आपको, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद भी रखना है, नहीं भी पता होगा तो आपको याद कर लेना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8, प्रश्न नंबर 9, शायद मैंने 10 स्लाइड्स रखी हैं आपके लिए खाली। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं जो क्वेश्चन अभी पूछ रही हूँ। जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है, कौन सी जैनेन्द्र की पहली कहानी है, खेल।
उनका नेटवर्क यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो इसलिए मेरा मैसेज आपको आवाज क्लियर है मेरी, तो पढ़ाई करें। वॉइस क्लियर है पहले बताएं। ओके ठीक है। यस फोन से चलाया है, पता नहीं शायद प्रॉब्लम हो सकती है। आ जाएगी लाइट तो, आने मतलब ज्यादा देर के लिए जाती नहीं है वैसे, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो तब तक, है ना। ऑल क्लियर। ओके जैनेन्द्र की पहली कहानी थी खेल, ये आपको याद रखना है, खेल पहली कहानी, ठीक है। अब ये किस में प्रकाशित हुई थी, ये आपका सवाल है। पहला ऑप्शन आपके सामने वॉइस वीडियो ब्लर, वीडियो की कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ो, आवाज ठीक है ना, आवाज ठीक है वो बताओ। हाँ वीडियो से हमने क्या करना है, हमें पढ़ना ही है। जब तक लाइट नहीं आती तब तक क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, कम से कम मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप जवाब दे देंगे मुझे, है ना। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर दो। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 के लिए, 9 का डी। सभी जवाब दें जल्दी जल्दी से। सी डी 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 इसका सही आंसर है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये वाली कहानी, जैनेन्द्र की पहली कहानी है। पूछा जाता है जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है। आवाज क्लियर है ना मेरी, अगर आवाज क्लियर है तब ठीक है, तब हमें दिक्कत नहीं है ना, आवाज के साथ ही हमें पढ़ना है। ओके पता नहीं कब तक आती है लाइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना उनको नोट भी कर लेना अपने पास, ठीक है। नए क्वेश्चंस जो आपको सीखने को मिल रहे हैं उनको नोट करते रहना।
बताओ आंसर। इसका सही जवाब का ए, 10 का ए। इसका सही जवाब है राय कृष्णदास। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो पढ़े हम एक स्लाइड खाली है अभी, इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। अगर आवाज क्लियर होगी, कंफ्यूज हैं, प्रश्न नंबर 11 है, कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। राम दुलारे वाजपेयी आपने सुना है कभी, वो नंद दुलारे वाजपेयी है ना। राधा कृष्ण दास, श्याम कृष्ण दास, मतलब ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ राय कृष्ण दास था इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने ही माना है इसको प्रथम कहानी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। मैम हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, वीडियो रुक जाती है। वीडियो रुक जाती है, वैसे मेरे पास तो ठीक शो हो रही है वीडियो मेरी। सही कौन है? राय कृष्ण दास सही है, बी ऑप्शन। मेरे पास सही आ रही है मेरी वीडियो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है ना। प्रश्न नंबर 11। राय कृष्णदास किस पर व्यंग्य किया गया है? जीवन शैली पर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी पहनावे पर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था पर। इसका सही जवाब बताइए। ग्यारह का सी। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, 11 का ए। ए सी सी
ठीक है, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग्य किया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं अब, इकाई छह, हिंदी उपन्यास। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बताएं मुझे, तब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। आवाज क्लियर है मेरी? ये आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना ना। यस, ओके। तो ये आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास है पहले वो देखते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में। गौरीदत्त का, पंडित गौरीदत्त का, देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, उसका भाग एक ही पढ़ना होता है हमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच हमारे सिलेबस में है, अमृतलाल नागर का मानस का हंस हमारे सिलेबस में है, भीष्म साहनी का तमस पढ़ना पड़ेगा, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारे का आपका बंटी, जगदीश चंद्र माथुर का धरती धन्ना अपना। तो इतने उपन्यास हमें पढ़ने होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 उपन्यास है सारे। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। अभी आपको क्या करना है कल के लिए, ये जितने भी उपन्यास हैं उनकी उनका क्रम, उपन्यासों का क्रम और उनके लेखकों का जन्म का क्रम आपको याद करना है। ठीक है, इनके आपस में ही क्रम लगाने हैं आपको। ओके, इनमें जो उपन्यास लिखे हैं उनका उनका समय और साथ में इन लेखकों का भी समय आपको याद करके लाना है कल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, पहला उपन्यास हमारे पास देवरानी जेठानी की कहानी। इसके मुख्य तथ्य हैं, इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा, और प्रकाशन है इसका देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन 1870, या ये आप नोट कर ले अपने पास, 1870 में इसका प्रकाशन हुआ है। यह उपन्यास छोटे आकार का है तथा इसकी मुख्य प्रति नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। छोटे आकार का उपन्यास है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय तथा डॉक्टर पुष्पलाल सिंह ने इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। ये पूछा जाता है कि किसने प्रथम उपन्यास माना है, तो डॉक्टर गोपाल राय का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्पलाल को आप छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं, गोपाल राय का नाम महत्वपूर्ण है इस उपन्यास के लिए। देवरानी जेठानी की कहानी को इन्होंने पहला उपन्यास माना है। ठीक है, यह उपन्यास स्त्री केंद्रित है जिसमें स्त्री की शिक्षा तथा उनके व्यवहार के विषय में रेखांकित किया गया है। आगे उपन्यास में बलिया समाज का चित्रण प्रमुख है, मेरठ तथा दिल्ली के आसपास की कथा है इसमें। उपन्यास को दो भागों में विभाजित किया गया है, उपन्यास में तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर कठोर प्रहार किया गया है, बाल विवाह और विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, स्त्री शिक्षा आदि की झलक यहाँ तक यहाँ इसमें दिखाई पड़ती है इस उपन्यास में। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए क्या क्या है इस उपन्यास में। इस उपन्यास को तत्कालीन सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया गया, पंडित गौरीदत्त को इस उपन्यास पर 100 रुपए का इनाम भी प्रदान किया गया था। पूछा जाता है कितने रुपए का इनाम, तो आपको ध्यान रखना है 100 रुपए का इनाम प्रदान किया गया था। पात्र इसके कौन कौन है, लाला सरसुखलाल परिवार के मुखिया है ये, और मेरठ की मंडी में इनकी परचून की दुकान है। लाला सर्वसुखलाल स्वभाव से ही मेहनती हैं। दूसरे पात्र हैं इसके दौलत राम, दौलत राम लाला सर्वसुखलाल के बड़े बेटे हैं। सर्वसुखलाल के छोटे बेटे हैं, मदरसे में से अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं तथा पढ़े लिखे होने के कारण रेल विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, छोटे लाल। ठीक है, पार्वती सरसुखलाल की बड़ी बेटी है, सुखदेई सरसुखलाल की छोटी बेटी है। पार्वती और सुखदेई दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी, बड़ी कौन सी है वो भी, छोटी कौन सी है वो भी। उसके बाद आते हैं ज्ञानो। ज्ञानो जो है वो दौलत राम की पत्नी है और घर की बड़ी बहू है, जिसे जेठानी से संबोधित किया जाता है। देवरानी और जेठानी है ना इसमें, तो जेठानी जो है इसमें ज्ञानो है। ठीक है, ज्ञानो अशिक्षित है और इसी कारण स्वभाव से बहुत कटु भी है,
लालची स्वभाव के कारण छोटी बहू से निरंतर झगड़ा करती रहती है और घर का बंटवारा करवा लेती है। अभी लाइट आ गई है, पीपीटी नहीं दिख रही है, शॉर्ट है। शॉर्ट है? शॉर्ट तो नहीं है, जैसी डेली होती वैसी है, जैसे रोज होती है वैसी ही है पीपीटी। मिनट, मैं वाईफाई शुरू करके आऊँ, मतलब अभी टाइम लगेगा वैसे शुरू होने में। सबको नहीं दिख रहा पीपीटी में, प्रॉब्लम आ रही है? चैट बॉक्स ऑन ऑफ कर लो अपना, फिर देखो, चैट बॉक्स ऑफ करके देखो। ठीक, यार कोई आया है दरवाजे पे, एक मिनट रुकना ना, एक मिनट वेट करना। सॉरी, एक्चुअली वो पड़ोसी थे तो उनको कोई गैस की स्मेल आ रही थी, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपकी गैस लीक तो नहीं हो रही है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरी तो नहीं हो रही, आप देख लो, बाहर तो स्मेल आ रही है, अंदर नहीं आ रही। लेकिन अभी मैं वाईफाई शुरू कर लूँ, एक मिनट ना, अभी हो ही गया होगा। हाँ, फोन वाला डिसकनेक्ट करके दूसरा वाला कनेक्ट कर ले। वो कनेक्ट कर दिया है, अगर आपको पीपीटी छोटी दिख रही है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। आप देखो, अब मुझे बताओ सब ठीक है, जल्दी जल्दी से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो अपना चैट बॉक्स ऑफ कर लें, उसके बाद आप देखें। और बड़ा करूं? और बड़ा करूं इसको? ठीक है, चलते हैं फिर आगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हाँ, आप अपना चैट बॉक्स ऑफ कर लेना अगर ज्यादा दिक्कत आएगी तो। वैसे पीपीटी का फॉन्ट साइज उतना ही है जितना पहले था, जितना मेरा डेली होता है, मतलब। छोटे लाल, ये लाला सरसुख लाल के छोटे बेटे हैं, मदरसे में अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं तथा पढ़े लिखे होने के कारण रेल विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। पार्वती सरसुखलाल की बड़ी बेटी है, सुखदेई सरसुखलाल की छोटी बेटी है, ज्ञानो दौलतराम की पत्नी है तथा घर की बड़ी बहू है, जिसे जेठानी से संबोधित किया जाता है। ज्ञानो अशिक्षित है तथा इसी कारण स्वभाव से वो कटु है। लालची स्वभाव के होने के कारण वो छोटी बहू से निरंतर झगड़ा करती रहती है और घर का बंटवारा करवा देती है।
आगे है छोटी बहू, जो छोटी बहू है यानी कि देवरानी है, जो वो छोटे लाल की पत्नी है, आनंदी नाम है उसका। ठीक है, पात्र आपको सारे पता होने चाहिए, कौन सा पात्र किसका मतलब क्या है, छोटी बहू कौन सी है, बड़ी बहू कौन सी है ना। छोटी बहू का नाम आनंदी है, बड़ी का नाम ज्ञानो है, और इनका बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है, वो आपको सब पता होना चाहिए। इनका एक आनंदी और इनके बेटे का जो मतलब इनका जो एक बेटा भी है उसका नाम है नन्हे, तो वो भी हम अभी देखते हैं आगे। बाकी आपको पात्र याद होने चाहिए, वो पढ़ी लिखी है आनंदी, जो छोटी बहू है, जो बड़ी बड़ी वाली बहू है वो अनपढ़ है। ठीक है, और परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभालती है। इसके अन्य गौण पात्र हैं, ये तो मुख्य पात्र थे जो अभी तक हमने देखे। अब इसके गौण पात्र हैं कन्हैया, ये दौलत राम का पुत्र है, नन्हे छोटेलाल का बड़ा पुत्र है, और मोहन छोटेलाल का छोटा बेटा है, और शिवदयाल है वो सुखदेई का पुत्र है। ठीक है, ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। वंशीधर कबाड़ी, वंशीधर कबाड़ी के यहाँ सुखदेई का विवाह किया जाता है। डूंगर, ये ज्ञानो यानी कि जेठानी के पिता हैं, और तहसीलदार जो है वो आनंदी के पिता हैं। अब आते हैं अन्य पात्रों पर, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे मिश्रानी, और मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय काबली, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमें इन पात्रों की। ठीक है, हमें मुख्य पात्र और इनका जो कन्हैया जो है वो दौलत राम का पुत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। नन्हे छोटेलाल का बड़ा पुत्र है, मोहन छोटेलाल का छोटा बेटा है, और शिवदयाल जो है वो सुखदेई का पुत्र है, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। बाकी भांजे की हमें जरूरत नहीं है, और जो यहाँ वाले पात्र हैं उनका भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लेखक परिचय को। पंडित गौरी दत्त का जन्म सन 1836 में पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ। पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की, इसी कारण नागरी लिपि परिषद की शुरुआत हुई। उनका उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास साहित्य में एक बड़ी ही सकारात्मक कृति मानी जाती है। इनका निधन हुआ था 1906 में। इसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका, भूमिका बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है, और पंडित गौरी दत्त उपन्यास की भूमिका में देवरानी जेठानी की कहानी को नए ढंग की रीति का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि नए ढंग की रीति का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं इसको, देवरानी जेठानी की कहानी को, तो स्वयं पंडित गौरी दत्त जिसने ये उपन्यास लिखा हुआ है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं वो अपने अपने ढंग की रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस उपन्यास को नए ढंग से लिखा। मुझे विश्वास है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। पंडित गौरी दत्त भूमिका इसकी देवरानी जेठानी की कहानी में ये बातें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैम कल की पीपीटी डाली है? नहीं, अभी नहीं डाली है, वो पूरी नहीं हो पाई थी मुझसे कल वाली, उसमें दो अभी निबंध ऐड करने को थे तो टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, थक भी गई थी और कल बॉडी पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए मैं मेडिसिन लेके सो गई थी, तो मैं काम नहीं कर पाई। ये वाला काम मैंने आज सुबह ही किया है, तो इस वजह से वो मैंने पीपीटी डाली नहीं है, और आज मैं उसको कंप्लीट करके डाल दूंगी, क्योंकि कल तो आपकी कोई क्लास नहीं है ना, संडे आपका ऑफ है, और अब हम परसों मिलेंगे, फिर मैं परसों तक आपको सारी जितनी भी पीपीटी अभी है मतलब देने को, आपको दो तीन हो गई, तीसरी ये वाली है, दो अभी पहले वाली देनी है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी निबंध वाली मैंने पूरे निबंध डाल दिए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो आपको पढ़ लेने हैं, कहानियां कविताएं निबंध सब कुछ आपको दे दिया है। ठीक है, परंतु मैंने इस उपन्यास को नए रंग ढंग से लिखा, मुझे विश्वास है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। पंडित गौरी दत्त की ये भूमिका में लिखते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकें जैसे इसलिए नहीं लिखे कि कोई चित्त से पढ़ता है या ना सुनता है। पंडित गौरी दत्त ये भी भूमिका में कहते हैं, आपकी क्लास कल है क्या? नहीं है कल क्लास, एक्चुअली संडे ऑफ करने के लिए कहा है, बाकी देखते हैं, एक बार और बात करती हूँ, पूछती हूँ, वैसे शायद मना किया है, तो नहीं होगी कल वाली क्लास, कल संडे ऑफ है, तो आपको अपने पढ़ना भी है और रेस्ट भी कर लेना है। ठीक है, जितनी पीपीटी बची है आपको दे दूंगी। पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में तत्कालीन बनिया समाज में जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या कार्य रहा है यह दिखाने का पूर्ण प्रयास किया है।
आगे है, शिक्षित तथा अशिक्षित स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है तथा उनका पोषण किस आदर्श परक परिस्थिति में होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस कार्य में व्यतीत होता है, शिक्षित स्त्री जब किसी कार्य को करती है तथा अशिक्षित स्त्री के उसी सामान्य कार्य को करने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसका पूर्ण विश्लेषण उपन्यास की घटनाओं में देखने को मिलता है। पंडित गौरीदत्त उपन्यास की भूमिका में एक छोटी कविता भी लिखते हैं, वो कविता क्या है आगे देखते हैं। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छुपावे बुरो को भले प्रीति से। ये भी कहां पर कहते हैं, ये भूमिका में कहते हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। ये कविता लिखते हैं कि ये पूछा, मतलब इंपॉर्टेंट है ये कविता, किसकी कविता, किसने लिखी है लाइनें, पंडित गौरीदत्त शर्मा ने देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका में, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, कहानी मत समझ लेना। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, लिख लेना इसको अपने पास। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छिपावे बुरो को भले प्रीति से। भूमिका में ही लिखी है ये। इस उपन्यास का उद्देश्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उसका विरोध करना है और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना है। ये उपन्यास स उद्देश्य लिखा गया तथा पंडित गौरीदत्त प्रारंभ में ही इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी सारांश दिल्ली के नजदीक मेरठ के एक सामान्य परिवार की पूर्ण कथा को पंडित गौरीदत्त ने मूल रूप से कथानक का आधार बताया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास दो भागों में विभक्त है। सरसुखलाल मेरठ के रहने वाले एक सामान्य बनिया परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके परिवार में दो पुत्रियां, दो पुत्र तथा उनकी पत्नी है। अपने बच्चों को समय अनुसार शिक्षा दीक्षा दिलवाकर वे दोनों पुत्र तथा पुत्रियों का अलग अलग स्थान पर विवाह कर देते हैं। विवाह के पश्चात दो तबके का परिचय देता है, जो एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां परिवार तथा कुटुंब की देख रेख मुखिया करता है और उसी के ही नियंत्रण में सभी सदस्य कार्य करते हैं। उपन्यास के प्रथम भाग में लाला सरसुखलाल की पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। सरसुखलाल का परिवार एक संपन्न परिवार है। सरसुख के माता पिता का देहांत हैजे से हो जाने के कारण असमय अनाथ होने पर भी छोटे मोटे सामान बेचकर वे धीरे धीरे एक परचून की दुकान कर लेते हैं। उनकी इस मेहनत तथा लगन के कारण सारा बनिया समाज उनकी बड़ी इज्जत करता था। सरसुखलाल के दो पुत्र तथा दो पुत्रियां थी। बड़े बेटे का पढ़ाई में मन ना लगने के कारण वे उसे दुकान पर बिठाया करते तथा छोटे को उन्होंने मदरसे से अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाई और बहुत ही समय में क्या है, और कुछ ही समय में वह भी रेलवे में नौकरी प्राप्त कर लेता है। उस समय समाज सुधार की नीतियों का प्रभाव भी आम जन पर पड़ने लगा था। ऐसे में स्त्री शिक्षा पर बड़ा ही सकारात्मक नजरिया लाला सर्व सुखलाल का दिखाई पड़ता है। वे अपनी पुत्री पार्वती को भी घर पर शिक्षा प्रदान करवाते हैं। तो मतलब उन दिनों में स्त्रियों को ज्यादा शिक्षा दी नहीं जाती थी, तो इसीलिए ये वाला उपन्यास जो लिखा गया है ये स्त्री शिक्षा पर ही है। धीरे धीरे उपन्यास आगे बढ़ता है। बड़े बेटे दौलत राम का विवाह ज्ञानों से तथा छोटे बेटे छोटे लाल का विवाह आनंदी से करवाया जाता है। समय आने पर लाला सर्व सुख सामान्य रीति रिवाजों से दोनों पुत्रियों का विवाह भी संपन्न कराकर प्रकार से स्वयं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर घर की सभी जिम्मेदारी दोनों बेटों को सौंप देते हैं। पारिवारिक सेवा से निवृत्त होकर अपनी पत्नी के साथ अपना बच्चा जीवन शांति से काटने का विचार करते हैं, किंतु दोनों पुत्रों के विवाह के पश्चात घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। बड़े बेटे की पत्नी ज्ञानो एक अनपढ़ तथा लालची स्त्री है, जो अपने परिवार तथा आस पड़ोस का अनादर करती है। बीच बीच में उसकी झड़प किसी न किसी से होती ही रहती है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का भी उसे तनिक आभास नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू आनंदी शिक्षित तथा संस्कारी है। परिवार के प्रति कर्तव्यों का वह पूर्ण निर्वाह करती है। घर में सास ससुर तथा पड़ोस के
लोग भी उसके व्यवहार से बहुत खुश रहते हैं। आनंदी पति के लिए समाचार पत्र पढ़ती है तथा उसकी समस्याओं के लिए उचित समाधान भी देती है। तो वो पढ़ी लिखी होती है आनंदी, इसलिए वो अपने पति के साथ मिलजुल कर काम करती है, समस्याओं का समाधान बताती है और समाचार पत्र भी पढ़कर सुनाती है तथा उसकी समस्याओं के लिए उचित समाधान भी देती है। ऐसे में छोटे लाल का लगाव अपनी पत्नी से अधिक रहता है क्योंकि वो उसका साथ देती है। इसलिए आनंदी शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझती है। ऐसे वह अंधविश्वास से बच्चों का पालन पोषण ना करके उन्हें खुले विचारों से बड़ा करती है। बच्चों के लिए झाड़ फूंक के स्थान पर वह टीका तथा डॉक्टर की दवाइयों को महत्व देती है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पूछा हुआ कि कौन से उपन्यास में ये वाला जिक्र है, बच्चों के लिए झाड़ फूंक के स्थान पर वह टीका तथा डॉक्टर की दवाइयों को महत्व देती है ना। तो ध्यान रखना है आपको एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से। आस पड़ोस की स्त्रियां भी आनंदी से प्रभावित होकर बच्चों की देखभाल के लिए यह मार्ग ही अपनाती हैं, मतलब यही मार्ग अपनाती हैं वो भी। देवरानी तथा जेठानी के स्वभाव में इतनी भिन्नता होने के कारण घर में कलह बढ़ने लगती है। ज्ञानो किसी न किसी बात पर अपने सास ससुर तथा देवरानी से लड़ बैठती है। ऐसे में लाला सर्वसुख लाल अपने अपने परिवार की स्थिति ने परिवार की स्थिति बिगड़ती देखकर घर का बंटवारा कर दिया तथा बाहर से आने वाली चीजों को आधा आधा बांटने की बात स्वीकार की गई। खाने के लिए सास को छोटी बहू तथा अर्थात देवरानी तथा लाला सरसुख को ज्ञानों की रसोई से खाना खाने की बात तय होकर घर का बंटवारा कर दिया गया। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और आनंदी ने अपने पुत्रों का बाल विवाह ना कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे के लिए कई जगह से शादी के लिए रिश्ता आया, किंतु छोटे लाल तथा आनंदी ने वह रिश्ता वापस कर दिया। उस समय विधवा विवाह के लिए भी कई सामाजिक कार्य किए जा रहे थे ताकि जनता जागरूक हो। विधवा विवाह का प्रचलन उतना नहीं था। तो यहाँ पर भी क्या बताया है कि छोटे लाल तथा आनंदी ने वो रिश्ता वापिस कर दिया था जो नन्हे के लिए आया था उनके बेटे के लिए। छोटी उम्र में उन्होंने शादी नहीं की जैसे पहले होता था। तो मतलब जो तमाम रूढ़ियां थी उनको इसमें खत्म किया गया है इस उपन्यास में। और उस समय विधवा विवाह के लिए भी मतलब सामाजिक कार्य किए जा रहे थे ताकि जनता जागरूक हो, और विधवा विवाह का इतना प्रचलन नहीं था उसके लिए भी आनंदी काम करती है। यदि किसी स्त्री के पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की पत्नी की मामा की बेटी जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था उसके पति की असमय मृत्यु हो गई, इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। अब वो इतनी छोटी उसको मतलब विधवा भी हो गई 10 साल में। उसके दिन दुख में कटने लगे। आनंदी के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह करवाया गया। तो यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह का भी मतलब जिक्र है। लाला सरसुखलाल अपनी आयु पूरी कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनके 1 माह बाद ही उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाता है। लाला सरसुखलाल अपनी आयु पूरी कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनके 1 माह बाद ही उनकी पत्नी का भी दोबारा आगे लाइन। दुकान का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ था। ऐसे दुकान से आई सारी संपत्ति पर दौलत राम तथा ज्ञानो पूरा हक जमाते हैं। पिता का क्रियाकर्म दौलत राम बड़ी ही सावधानी से कम खर्च में करता है तथा माता के लिए छोटे लाल पर जिम्मेदारी आने पर वे पूरे समाज की मान मर्यादा को ध्यान में रखकर माता का क्रियाकर्म बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। दौलत राम और ज्ञानों की घर की जायदाद तथा दुकान को अपना मानकर कुछ भी छोटे लाल और आनंदी को नहीं देते। छोटे लाल वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी देते हैं और पंचों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि घर का मकान छोटे लाल तथा दुकान दौलत राम के हिस्से में आएगी। ज्ञानो इस पर भी यह कहकर रोने लगती है कि पंचों ने हमें लूट लिया, गलत फैसला कर दिया। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। इसी कारण ही अपने पति से उसने घर का बंटवारा करवाया था।
उपन्यास के अंत में जेठानी की स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलतराम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी। वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर असंतुष्ट थी, इसलिए इसलिए हवेली से जाते समय वह दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। अंततः पंडित गौरीदत्त का यह उपन्यास स्त्री शिक्षा तथा तत्कालीन समाज की स्थिति समझने के लिए बहुत ही सफल कृति है। प्रमुख कथन है इसके जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं है। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के लोग सौदा लाते, इसी दुकान पर बेच जाते। ये इसका कथन है, ठीक है, जिस जैसे संवाद चलते रहते हैं वैसा। बड़ा भला मानस था, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में तो बहुत बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ ना कुछ करता रहता था। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेव की माँ, लाला बुकारी दास जो हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर हैं, यूं कहे थे कि अपने छोटे बेटे को पढ़ाओ। उसने कहा था कि अच्छा तो है, सारा दिन गलियों में कूदता फिरे हैं। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई आई। ठीक है, ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कथन होंगे। छोटे लाल की पत्नी गुड़गांव में ही मिल गई थी लाला दीनदयाल के मार्फत वहां। ओके, इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ में है। अभी तो दो विवाहों से निपटे हैं और इस साल में ना केवल सोचता भी नहीं है, अगले साल जैसे मुंशी जी कहेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, नीचे देखते। जब दौलत राम विवाह के लिए लाए थे तो पट्टा फरे करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप के घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह में ही उगड़ गया, गौना क्या करेगा। तो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में ही थी। इसे नौकर हुए कोई एक वर्ष बीता होगा कि बाबू के बदले अंबाले की हो गई। यह बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा ही करते थे। बाबू की जगह कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपए महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपए महीना कर देंगे। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो। ये वाली पंक्ति शायद मैंने कहीं देखी है। दिल तो वहां नहीं मिलता जहां मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो। नोट कर लेना, देवरानी जेठानी की कहानी की पंक्ति है। जब यह दोनों मिलते तो एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसके इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो कि इससे उसका मन दुखे। विचार दौलत राम तो निरा बनिया ही था, बेचारा नहीं बेचारा, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटेलाल की बहू की सी सुधराई और सफाई कहाँ, आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। छोटे की बहू कुछ ना करती रहे थी, सवेरे उठते बैठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध पिलाती, फिर नहा धोकर 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। बहन जिप पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोटी और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे हैं, दोनों खसम जो रुझावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। तुम्हारा कैसा स्वभाव है बाहर की लोगाइयों के सामने, तो बाली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बिछनामी है, बदनामी वगैरह, इसमें घर की बदनामी है। छोटी बहू ज्ञानों से कहती है,
सास ने अभी आपको बताया था संवाद ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो पूछा जा सकता है कि कौन किससे कौन सा कथन कहता है। सास ने कहा, मैं क्या क्या कहूं, हमारी यह वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हांसी। ये सास का कथन है, ठीक है। बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फिलाने घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जू कर दिया। लाला सरसुख का ये कथन। यह लड़का बड़ा बुद्धिमान है और भाग्यशाली होगा क्योंकि इसके छींदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। ये पुरोहित का कथन है। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1,000-2,000 रुपए की बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। लाला सरसुखलाल का कथन है ये। हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध मुस्ते। सरसुखलाल का कथन है। भगवान उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, ज्ञानों का कथन है। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कह सकता। भले बुरे मनुष्यों की परीक्षा समय पाकर अपने आप ही हो जाएगी। जब तक मनुष्य की परीक्षा ना हो, साधारण बातों में उसकी जाहिरी बात बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों में काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच ना हो। ऊपर से दिखाने वाले लोग अपना निज स्वभाव छिपाकर सज्जन बनने के लिए सच्चे सज्जनों के स्वभाव की नकल करते हैं, परंतु परीक्षा के समय उनकी कलाई तत्काल खुल जाती है। जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ये परीक्षा गुरु के कथन तो नहीं है कहीं। कहाँ थे हम? जो सच्चा सुख सुख मिलने की मृत तृष्णा में मदन मोहन को अब तक स्वप्न में भी नहीं मिला था, वह सच सुख और ब्रज किशोर की बुद्धिमानी से परीक्षा गुरु के कारण प्रमाणित। हाँ, ये परीक्षा गुरु के कथन है। इनको तो ये स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, इसको मैं ठीक करके दे दूंगी आपको, है ना। इसको मैं सही करके दे दूंगी, आगे पीछे हो गई होगी स्लाइड किसी तरीके से। ठीक है, परीक्षा गुरु को देखते हैं। परीक्षा गुरु का समय है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। 25 नवंबर 1882 में लिखा गया था ये। आगे विषय है इसका। परीक्षा गुरु का उद्देश्य नीति परक और उपदेश परक है। एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की गलत संगत में पड़ने पर सुधार के आदर्श परक कथा है ये। परीक्षा गुरु को हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का श्रेय दिया जाता है। प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण है, ध्यान रखना, जिसमें पद्य ब्रज तथा गद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया गया है। पद्य ब्रज भाषा में, गद्य खड़ी बोली हिंदी में, ठीक है। दिल्ली के लोगों की साधारण बोलचाल की भाषा संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के शब्दों का सहज प्रयोग है। उपन्यास में जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषा के ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण भी ब्रजभाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए हैं। इस उपन्यास की रचना में महाभारत, संस्कृत, गुलिस्तां, बघेल फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर के लेखों से सहायता ली गई है। अब इसमें है पात्र लाला मदन मोहन। ये दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। लाला मदन मोहन कथानक के केंद्र बिंदु हैं। यह मध्यवर्गीय सोच से ग्रसित हैं, पश्चिमी सभ्यता से इन्हें स्पष्ट लगाव है तथा बाहर की वस्तुओं से इनका प्रेम गहरा है। इसी कारण से ये गलत संगत में पड़ते हैं और कहानी इन्हीं के आसपास घूमती है। जाग रहे हैं सभी? सो तो नहीं गए? गए तो नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, अपनी अटेंडेंस लगाओ, तब तक मैं पानी पीती हूँ।
क्लास में हो सभी? अपने आप समझ में आ रहे हैं देवरानी जेठानी की कहानी का? हमने पूरा पढ़ लिया, वो समझ आ गया। अभी हम पढ़ रहे हैं परीक्षा गुरु। ठीक है, ठीक है। लाला ब्रज किशोर, लाला ब्रज किशोर मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं। ये पेशे से वकील हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते। इंटरेस्टिंग है। रेस्ट रेस्ट तो अभी क्लास के बाद ही होगा। आंखों में ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है ना थोड़े एक ही ध्यान में। देवरानी जेठानी, हाँ इंटरेस्टिंग तो सारा ही हिंदी साहित्य ही है ना। और उपन्यास नाटक भी इंटरेस्टिंग, और कविताएं भी कहानियां भी। इनके कारण ही लाला मदन मोहन संकटों से बाहर निकल पाते हैं। मिस्टर ब्राइट है इसमें, दुकानदार चुन्नीलाल शंभुदयाल और बैजनाथ, और इसके अन्य पात्र हैं बाबू बैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन, हरकिशोर, निहाल चंद, लाला जगजीवन दास, नवल और जुगल ब्रज किशोर के भाई हैं। अब है लेखक का परिचय। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में हुआ था मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को दिल्ली में आधुनिक तथा मौलिक ढंग का प्रथम उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के अतिरिक्त नाटकों के क्षेत्र में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। अब आपको ध्यान रखना है, जो लाला श्रीनिवास दास हैं वो भारतेंदु युग के लेखकों में आते हैं। ठीक है, उपन्यास के अतिरिक्त नाटकों के क्षेत्र में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1887 में। परीक्षा गुरु प्रकरण, इसके प्रकरण सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल। इसमें 41 प्रकरण हमने देखे थे ना अभी पीछे, तो 41 प्रकरणों का यहाँ पे वर्णन है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मेल मिलाप, विषय सत्, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, प्रबंध मतलब इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, व्यवहार, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा मतलब शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, ये प्रकरण है परीक्षा गुरु के। ठीक है, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा यानी कि अफवाह, फुट का काला मुंह, बातचीत, निराशा मतलब ना उम्मीद, चालाक की चूक, अदालत, मिश्र परीक्षा, हीन प्रथा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की पट्टी, विपत में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परम अवधि। परीक्षा गुरु की भूमिका। भारतेंदु युग ऐसा समय था जहां खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ होने लगी थी। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा ही विशिष्ट रहा है। परीक्षा गुरु की भूमिका में वे लिखते हैं, अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे ज्ञान से इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परंतु नई चाल से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में। तो मतलब परीक्षा गुरु को नई चाल की, अपने ढंग की नई चाल की पुस्तक किसने कहा? वो आपको याद रखना है, लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने भूमिका में कहा है ये। ठीक है, नई चाल की पुस्तक। तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है, ये लाला श्रीनिवास दास का कथन है परीक्षा गुरु की भूमिका से। यह उपन्यास वास्तव में नई चाल तथा नई रीति से लिखा गया है। यह है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में
थोड़ी मेहनत होने से पहले पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है। ये भी लाला श्रीनिवास दास का कथन है, परीक्षा गुरु की भूमिका में कहा है इन्होंने। लेखक पुस्तक आरंभ सौदागर की दुकान से करते हैं। यह उपन्यास उस समय लिखा लिखे जाने वाले उपन्यासों के शिल्प की दृष्टि से भी भिन्न है, तथा कथित लिखी जाने वाली राजा रानी की कहानियां, जहां कथा इस सिरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, उससे इसका शिल्प भिन्न है। उपन्यास एक मूल सिरे के से आरंभ नहीं होता। लेखक पाश्चात्य उपन्यासों की शैली के आधार पर बीच से कथा शुरू करता है। पाठकों का कार्य है कि कथा को आरंभ से अनुभव करें तथा धीरे धीरे समझे कि पाठक से धीरे धीरे समझे कि घटना से पूर्व जो लेखक द्वारा नहीं लिखा गया, वहां क्या क्या घटित हुआ होगा। लेखक की यह दूरदृष्टि पाश्चात्य उपन्यासों की ही छाया प्रतीत होती है। पाश्चात्य उपन्यासों की छाया, यानी कि किसका प्रभाव था? पाश्चात्य उपन्यासों का। आगे है, लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभु दयाल उनके साथ हैं। इनमें कौन सा पात्र है, उनका आपस में संबंध क्या है, यहाँ वे किस लिए इकट्ठा हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी दिखाई नहीं दिखाई गई हैं। पढ़ने वाले धैर्य से यह पुस्तक पढ़ लेंगे तो उन्हें आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन, जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा तर्जुमा अनुवाद होता है। ठीक है, उर्दू का शब्द है। तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। ये भी लाला श्रीनिवास दास का कथन है भूमिका से ही। उसके बाद इसका सारांश देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास दिल्ली के एक बिगड़े रईस मदन मोहन के संकटों में पड़ने तथा उनके उद्धार की कथा है। मदन मोहन की दुरावस्था में भी में सभी चाटुकार मित्र एक एक करके खिसक जाते हैं। उस दिन उनके मित्र ब्रज किशोर ने बड़े धैर्य के साथ उनकी सहायता की और उसे सामाजिक अपमान तथा आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाया। उपन्यास की शुरुआत सौदागर की दुकान से होती है। लाला मदन मोहन अत्यधिक संपन्न व्यक्ति हैं। वे हर वह चीज खरीदना चाहते हैं जो विलायती हो तथा उनकी झूठी शान को बनाए रखने में सहायता कर सकती हो, भले ही उस वस्तु की कोई उन्हें कोई आवश्यकता ना हो। उनकी इस लालसा तथा रईसी को उनके तीन चापलूस मित्र चुन्नीलाल, शंभुदयाल तथा बैजनाथ हवा देते हैं। उनके वास्तविक मित्र ब्रजकिशोर, जो कि पेशे से वकील है, वे भी वहां उपस्थित हैं तथा समय समय पर मदन मोहन को समझाते हैं कि ये वस्तुएं उनके लिए अनावश्यक है तथा अपना मूल्य भी अदा नहीं कर सकती है। लेखक ने स्थान पर स्पष्ट करना चाहा है, बिगाड़ने वाले स्वार्थी मित्र, एक स्थान पर इन्होंने स्पष्ट करना चाहा है कि बिगाड़ने वाले स्वार्थी मित्र विपत्ति आने पर मदन मोहन का साथ छोड़ जाएंगे। अतः विपत्ति की परीक्षा ही सच्चे या स्वार्थी मित्र का निर्णय कराती है ना? तो जब विपत्ति में इंसान पड़ जाता है तब पता चलता है सच्चा दोस्त कौन है, सच्चा मित्र कौन है। मदन मोहन के साथ घटित होने वाली घटनाएं धीरे धीरे यह अंगित करती हैं, इंगित करती हैं। लाला मदन मोहन अत्यधिक संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन वे पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो, तब तक मैं आती हूँ चार्जिंग पे लगाकर। ठीक है, समझ आ रहे हैं? परीक्षा गुरु भी आपको अभी थोड़ा शुरुआत की है पढ़ने की। पढ़ो इसको 1 मिनट में।
मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होते हैं, पर बचपन में अच्छी शिक्षा तथा उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। मदन मोहन के तीनों चाटुकार मित्र उसे अवनति की ओर ले जाते हैं। मित्र ये मित्र ही मदन मोहन को फिजूल खर्ची, व्यायशक्ति, सुरा, वेश्या, जुआ आदि साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्लास में हो सभी? थोड़ा हाजिरी दे दिया करो बीच बीच में। मदन मोहन को आदमी की परख नहीं है, वह अपने सच्चे हितैषी ब्रज किशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी लालची, मौका प्रस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और समय पर कर्ज अदा ना कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। तो मतलब जब वो गलत संगति में पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है तो बहुत सारा कर्जा उस पर हो जाता है ना, तो कारावास हो जाता है, जेल हो जाती है उसको कर्जे के कारण। ठीक है, इस कठिन परिस्थिति में ब्रजकिशोर जो एक वकील है उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को ब्रजकिशोर सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी दिलाते हैं। लाला मदन मोहन ऐसी व्यापार महाजनी संस्कृति के प्रतीक है जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। इसी कारण उपन्यास का वातावरण व्यावसायिक है, व्यापार तथा देश काल का घनिष्ठ संबंध है। ब्रजकिशोर मदन मोहन से व्यवसाय संबंध प्रश्न पूछता है। बाबू बैजनाथ के चरित्र में लेखक स्वच्छंदता से अपना निर्वाह करने के लिए देश दशा के अनुसार जीविका करने की रीति और धन कमाने की विधि को समझाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास प्राय कथा प्रधान है, किंतु परीक्षा गुरु कथा प्रधान नहीं है बल्कि उद्देश्य प्रधान है। ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यास हुए हैं, वो जितने भी उपन्यास लिखे गए वो कैसे हैं, मतलब अधिकतर उपन्यास कथा प्रधान है, पर जो परीक्षा गुरु है वो कथा प्रधान नहीं, कैसा है, उद्देश्य प्रधान है। उपन्यास के अंत में लेखक ने प्रमुख पात्र मदन मोहन के अपने आप बीती वृतांत को छपवाने की इच्छा व्यक्त करवाकर कथा को सत्य घटना आधारित बनाने में अच्छा प्रयत्न किया है। मदन मोहन कहते हैं, इस अवसर पर मेरी जिन जिन लोगों से जो जो बातचीत हुई है वह भी मैं उसमें लिखने के लिए बता दूंगा। उपन्यास में तत्कालीन भारत की स्थिति में सूक्ष्म तथा संगत विश्लेषण से कथा वस्तु को वास्तविक बनाया गया है। लाला श्रीनिवास दास स्वयं विशेष व्यापार कुल तथा व्यवहार निपुण व्यक्ति थे, इसलिए अमीरों के ठाट बाट और चोचलों और चाटुकारों और व्यापारिक चालबाजियों का चित्रण ठीक ठीक होने से कथा में स्वाभाविकता आ गई है। परीक्षा गुरु की मूल कथा वस्तु छोटी और सरल है, इसमें प्रासंगिक कथाओं का अभाव है, इसलिए यह जटिल नहीं। समस्त कथा लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। प्राय मदन मोहन की कोठी में ही पात्रों की महफिल जमती है। इन पात्रों में अधिकांश मदन मोहन के चाटुकार मित्र हैं जो मदन मोहन की हाँ में हाँ मिलाकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। वह हमेशा मदन मोहन को कुपथ पर जाने के लिए उपदेश देता रहता है, बुरे रास्ते से जाने के लिए वो रोकता है उसको। मदन मोहन के स्वार्थी चाटुकार मित्रों की ब्रजकिशोर से नहीं बनती, वे मदन मोहन से अपने स्वार्थों की पूर्ति में ब्रजकिशोर के सत उपदेश। इस सज्जन मित्र को हटाने के लिए इसकी पीठ पीछे लाला मदन मोहन से बुराई करते हैं और अनुचित कुकर्मों से हमेशा उसकी बात काटते ही रहते हैं। फलस्वरूप मदन मोहन के मित्रों की मंडली सदैव वाद विवाद के अखाड़े का रूप ले लेती है। मैम आपकी आंखें लाल दिख रही हैं। अच्छा, लेखक ने उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन देश दशा पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। उदाहरणतया प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन को म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की बातें होती हैं।
ब्रजकिशोर मदन मोहन को ऐसे पद के लिए अयोग्य मानकर यह बात समझाते हैं कि जिसे अपने घर के प्रबंध की रीति नहीं आती वह नगर का प्रबंध कैसे करेगा। इसी के आधार पर ही सज्जनता प्रकरण में लेखक उन मित्रों की निंदा करते हैं जो सज्जनता का ढोंग करते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रकरणों में बहस की भांति लेखक बहुत ही आदर्श कर उदाहरण देता है। बात यहां वहां घूमकर अप्रासंगिक प्रश्नों को लेकर अंत में अपने विषय पर वापस आ जाती है। लेखक ने मित्रों की परख में सावधानी, चालाकी नहीं को आवश्यक माना है। इसी प्रकरण में बात ईश्वर की फलदेयता पर पहुंचती है। ईश्वर के कर्म के अनुसार फल देने पर शंकाएं की जाती हैं। यहाँ ईश्वर पर विश्वास का प्रश्न भी उठता है। देश की उन्नति अवनति का आधार वहां के निवासियों की प्रकृति पर है। जिस देश के मनुष्य सावधान तथा उपयोगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती है। ईश्वर की फलदेयता का सूत्र भी यही है। यदि व्यक्ति सच्ची लगन से अपना कर्म करेगा तो निश्चय ही उसे उसका फल मिलेगा। उपन्यास के अंतिम प्रकरण सुख के परम अवधि में हिंदुस्तान की उन्नति अवनति से होते हुए प्रकरण का अंतिम प्रश्न वापस सावधानी पर लौट आता है। इस प्रकार उपन्यास में घटनाएं बहुत कम है, अतः इसका विकास अपने ढंग का है। पाठकों की शिक्षा तथा उपन्यास के व्यावसायिक वातावरण के अनुकूल श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु में देश काल के समावेश का आवश्यक समझा है। वे ऐसा सफलतापूर्वक चित्रण करते हैं तथा यह उपन्यास समय सजग प्रतीत होता है। श्रीनिवास दास ने चरित्र चित्रण की आधुनिक पद्धति का भी आरंभ किया है। उपन्यास में ब्रजकिशोर द्वारा निम्नलिखित व्यवहार प्रकार से व्यवहार किया गया है। इतिहास और वर्तमान की दशा देख दिखाकर भले बुरे कर्मों से अपने मित्र को अवगत कराना, कुसंगति से मित्र को बचाना, उपदेश के बजाय अच्छे चाल चलन से मित्र को प्रभावित करना है। उपदेश देने से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। समझ कब पाते हैं? जब हम अपने चाल चलन के द्वारा किसी दूसरे को सिखाते हैं, वैसा ही करके दूसरे को सिखाते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति करे, है ना। चापलूसों के बीच में भी अपनी बात स्पष्ट रखना, चाहे वह कितनी भी कटु हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में मित्र का साथ ना छोड़ना, परीक्षा गुरु कथानक के रूप में आदर्शवादी उपन्यास है। यहाँ बदलते हुए भारतीय समाज का यथार्थ परिचय दिया गया है। किस प्रकार कंपनी के शासन में आग जब तथा कथित धनवान पश्चिम की चकाचौंध के प्रति आकर्षित हो रहे थे और अपनी जड़ों से कट रहे थे, यह बड़ी ही विशिष्ट बात रही कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार ने सामाजिक क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री का पर्याप्त उपयोग किया। यहाँ यथार्थ आदर्श का समन्वय चाहे ना हो पर दोनों के सामंजस्य का प्रयास अवश्य मिलता है। प्रमुख कथन है इसके भी, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। क्या कहा? आग नहीं, आप होगा। कहां पर? कहां पर है? मैंने आग पढ़ा है या यहाँ पे आग लिखा है? हो सकता है मैंने गलत पढ़ दिया हो। कहाँ पर है? हो सकता है मैंने गलत पढ़ दिया हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना, आप देख लेना। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्री सकल जन है जग के अधीन, चाहत धनी विवश कछु तास्ते अति दीन। अप्राप्ति के दीनन में खर्च होत अविचार, घर आवत है पाहुनो आणिच न लाभ लगार। आग लिखा है। ओके, कोई नहीं, समझ आ जाएगा पढ़ते टाइम आप लोगों को। सहबासी बस होत नृप गुण कुल रीति। ठीक है, कबीर वाला देख लेना। एक सादे सब सदे सब सादे सब जाही, जो गही सी चै मूल को फूले फले अदाही। धर्मशास्त्र पढ़ वेद पढ़ दुर्जन सुधरे नहिंगो, पाए मीठी प्रकृति ते प्रकृति सबल मा सबल प्रबल सब माही। हितोपदेश की पंक्ति है।
सज्जनता ना मिले किए जतन करो, किन कोए ज्यों कर फार निहारी, ये लोचन बड़ो ना होए। मैम आज आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। एक्चुअली तबीयत ठीक है, बस आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब जोर लग रहा है ना। स्तुति निंदा को कर ही लक्ष्मी रह ही की जाए, मरे की जिए ना धीर जन धरे कुमारक पाए। मनुष्य की चित से बढ़कर कोई वस्तु कोगल और कठोर नहीं होती, ये लाला ब्रजकिशोर का कथन है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बताया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई, ये लाला ब्रजकिशोर का कथन है। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, मास्टर शंभु दयाल का कथन है। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर के सर्वोत्कृष्ट रचना है। आवत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा ना होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है। हाँ बस अभी थोड़ा सा रह गया ना, हाँ ये गोदान का थोड़ा सा ही रह गया, मैंने ज्यादा वो नहीं किया है, यही है बस, 3 स्लाइड्स हैं फिर छोड़ देंगे, है ना, चार चार पेजेस हैं बस गोदान, फिर इसको हम परसों वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे उपन्यासों को, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का है गोदान, आपने पढ़ा होगा उपन्यास। प्रकाशन वर्ष इसका 36 से है, 36। लेखक परिचय, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद का जीवन बहुत अभाव में बीता। पूरा पढ़ा है, वेरी गुड। जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। तो इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने जीवनी भी लिखी है प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद घर में नाम से इन्होंने जीवनी लिखी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेमचंद घर में ध्यान रखना, मतलब प्रेमचंद घर में कैसे थे, उनकी उनकी पत्नी ने लिखी है ये जीवनी, प्रेमचंद की पत्नी ने, ठीक है, शिवरानी देवी नाम था उनका। ओके, इसके बाद उनकी जिंदगी में हालत कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ और सोजे वतन को जब्त भी कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। 13 साल की उम्र में ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्यिक सफर शुरू हुआ जो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफर बना रहा। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। तो ये नाम किसने दिया था इनको? दयानारायण निगम ने, ठीक है, ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद को किसने ये नाम दिया प्रेमचंद, ठीक है, तो दयानारायण निगम ने इनको नाम दिया था। इनकी जो क्या है उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका में
के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र थे ये, ठीक है, और इनके जमाना में ही छपी थी वो कहानी। कौन सी है? बड़े घर की बेटी, जमाना पत्रिका में छपी थी, ठीक है, इतना है। बाकी उपन्यासों को कल हम कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में नहीं, परसों की क्लास में, परसों की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल क्लास नहीं है आपकी, परसों मिलेंगे। और जितने भी उपन्यास हैं उनके समय कालक्रम, और जितने भी उपन्यासकार हैं उनका कालक्रम आपको पढ़ करके आना है, याद करके आना है, ठीक है। जितना हो सकता है कल कवर कर लेना, जो भी कहानियां वगैरह, रेस्ट भी कर लेना, छुट्टी है तो रेस्ट भी कर लेना, है ना। ठीक है, कल आप रेस्ट करना। हाँ टेस्ट है परसों, टेस्ट किस पे लिया जाए? टेस्ट बताओ, क्या पढ़ के आओगे? पढ़ के भी तो आओगे तभी टेस्ट लेने का फायदा है ना, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो फिर कैसे होगा? क्या पढ़ के आओगे बताओ, खुद से बताओ, क्या पढ़ के आओगे आप लोग, जिसमें मंडे को आप अच्छे से पढ़ाओ और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ कल रेस्ट करती हूँ। बोलो क्या पढ़ोगे, चाहे जिसका पढ़ना भी है बेटा, चाहे जिसका नहीं पढ़ना भी है ना, फिर हाँ तो जो मैं दूंगी वो पढ़ के आना पड़ेगा ना फिर आपको। उपन्यास पे प्रोटेस्ट लेते हैं, पर उपन्यास हमारे पूरे नहीं हुए, निबंधों पे ले लेते हैं, ठीक है। निबंध पूरे पढ़ लिए हमने, और जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, रात को कोशिश करती हूँ देने की, है ना। तो कल उसको पढ़ लेना पीडीएफ को, और जो जो भी आपके पास गाइड है, कोई भी बुक है, तो उससे पढ़ लेना, ठीक है। निबंधों पे फिर टेस्ट कर लेंगे, मतलब 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा नहीं, और 10-12 क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है ना। 10 क्वेश्चंस होंगे तो आपकी 20 चीजें कवर होंगी उसमें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे, साथ साथ में पढ़ाई भी चलती रहे, है ना। कल छुट्टी है, पढ़ लेंगे। हाँ कल पढ़ लेना, जो नोट्स बनाने वाले हैं और नोट्स भी बना लेना, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? किसी ने हैंड रेज किया था यहाँ, किसी को कुछ बोलना था? चले ठीक है, फिर कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, कल बोल रही हूँ मैं, परसों की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रेस्ट करें, पढ़ाई भी करें, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।